अब आज की जो जजमेंट इसमें हम देखेंगे प्रेम किशोर एंड अदर्स वर्सेस ब्रह्म प्रकाशन अदर्स 2023 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड दिस जजमेंट इज तो वेरी इंपॉर्टेंट जो लोग यहां पे दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली जो लोग यहां पे डीजीएस की तैयारी कर रहे हैं उनकी मैं बात करूं तो उनके लिए जजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस केस में यहां पे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट एक्सए केस रिलेटेड है और वो भी किसके साथ रेस जूडी काटा के साथ दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट सी so इस केस में हुआ यह था कि यहां पे द फादर ऑफ द अपीलेंट यहां पे जो लैंडलॉर्ड था जो फादर था उन्होंने यहां एविक्शन अंडर सेक्शन क्लॉज क्लॉज ए ऑफ द रेंट कंट्रोल एक्ट जो किसकी बात करता है अरियर्स ऑफ रेंट की किसकी बात करता है अरियर्स ऑफ रेंट की कि यहां पे टेनेंट ने रेंट नहीं पे किया इसलिए यहां पे एक एविक्शन पिटिशन फाइल की गई वो क्या एविक्शन पिटीशन क्या बोल रही है कि इसको यहां पे इस घर से एवेक्ट करो राइट right? अब ये केस कहां फाइल किया गया एक एक चीज हमें समझनी पड़ेगी क्योंकि हम यहां पे इसको रेसडूडी के रेसडूडी काटा के साथ लिंक करने वाले हैं सो दिस केस जब हम यहां पे रेंट कंट्रोलिंग एक्ट में जाते हैं तो केस कहां फाइल होता है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास ये केस फाइल होता है राइट right? सी जब यहां पर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या ये रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जब केस फाइल होता है माई क्वेश्चन इज क्या ये एक कोर्ट है क्या ये एक कोर्ट है सिविल कोर्ट है नहीं है ना क्या जब रिलेट करेंगे कि यहां पे का या नहीं लगेगा एविक्शन पिटिशन तो फाइल कर दी गई एविक्शन पिटिशन फाइल कर दी गई रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने यहाँ पे पार्टी को बुला भी लिया कि प्रूफ करे कि इन लोगों ने यहाँ पे रेंट नहीं दिया बट हुआ ये कि रिस्पॉन्डेंट ने ये बोल दिया ये मेरा लैंड लॉर्ड ही नहीं है दैट तो दिस या नहीं है कि इन दोनों का यहाँ पे लैंड लॉर्ड टेनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट भी करता है नहीं करता गुड इवनिंग अनामिका गुड इवनिंग आई होप यू आर वेल एंड वी आर डूइंग द जजमेंट ऑफ द रेसूडी काटा जमेंट so यहां पे हुआ क्या सी जब यहां पे बुलाया गया ना फादर साहब को यहाँ पे बुलाया गया कि पेटिशन में कि प्रूव करो कि इन्होंने रेंट नहीं दिया। किट दैट पॉइंट वॉट हैपन कि वो यहां पे अपीयर ही नहीं किया गुड इवनिंग निक्की को और गुड इवनिंग उन्होंने यहां पे अपियरेंस ही नहीं दी अपनी क्या नहीं किया अपियरेंस ही नहीं दी विच मींस वॉट कि तीन चार बार उनको बुलाया गया ये जो रिलेशनशिप था लैंडलॉर्ड टैन उनका यहां पे ना तो रिलेशनशिप के ऊपर बात हुई ना ही यहां पे एविक्शन हुई क्योंकि यहां पे जो लैंडलॉर्ड था वो यहां पे अपीरेंस ही नहीं की हुई नाउ बिकॉज ऑफ दिस जब यहां पे उन्होंने अपीरेंस ही नहीं दी तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने क्या किया दैट द फाइल इज क्लोज इस फाइल को यहां पे क्लोज कर दिया ये स्टेटमेंट दे दी कि फाइल इज क्लोज एंड द रीजन बींग वॉट यहां पे क्यों फाइल क्लोज की गई क्योंकि यहां पे जो लैंडलॉर्ड था वो यहां पे अपनी अपीरेंस ही नहीं दे रहा था सो इन द सेड एविक्शन पिटिशन

ना वट है डेथ हो गई जब फादर की डेथ हो गई तो उनके जो लीगल हायर थे उनके जो बच्चे थे उन्होंने यहाँ पे एक सिविल कोर्ट में जाके केस फाइल कर दिया रिगार्डिंग द एविक्शन की इन लोगों ने यहाँ पे रेंट नहीं पे कर रहे इनको यहाँ से घर से निकालो एविक्शन करो इनकी अब बात यहां पे आएगी सी जब यहां पे ड्यूरिंग नो अपील फ्रेटिश बट आफ्टर द डिमाइसिटिव इन इन द ईयर 2001 अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट्स अंडर सेक्शन ऑफ द एक्ट क्लेमिंग ऑफ रेंट द फर्स्ट थिंग इज वॉट मैं बार बार उसी पॉइंट पे आऊंगा जब यहां पे फॉर्मर जो सूट फाइल किया गया था वो कहां पे किया गया था सूट तो वो थी नहीं जो पिटिशन फाइल की गई थी वो कहां की गई थी पिटिशन फाइल बिफोर द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी बिफोर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड जब, secondly, जब ये जब सूट फाइल किया किया गया गया कहां पे बिफोर सिविल कोर्ट बिफोर सिविल कोर्ट नाउ सी जब यहां पे पिटिशन फाइल कर दी सिविल कोर्ट के पास भी दूसरी तरफ से डिफेंडेंट्स ने यहां पे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की ऑब्वियसली ऐसा ही होता है ना एक तरफ से यहां पे प्लेट फाइल होगी तो दूसरी तरफ से क्या होगा दूसरी तरफ से क्या होगा रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की कर दी। अब वो ये सुन लिया है तो इस बेसिस के ऊपर यहां पर रेसजूडी काटा की प्ली, प्ली लगा रहे हैं क्या बोल रहे हैं उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दी जाए क्या बोल रहे हैं रिगार्डिंग द रिजेक्शन ऑफ प्लेट रिजेक्शन ऑफ प्लेट कहां होती है ऑर्डर सेवन रूल इलेवन ऑफ द सीपीसी राइट रिजेक्ट कर दो प्लेट को किस बेसिस के ऊपर रेस ऊपर क्यों कर दो क्योंकि ऑलरेडी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने इसको सुन लिया अब यहीं पे ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहां पे इश्यू समझ आ जाना चाहिए यहां पे आपको तीन चीजें समझ आनी चाहिए क्या क्या आपको लॉ पॉइंट पता होनी चाहिए फर्स्ट लॉ पॉइंट आपको जो पता होना चाहिए तो ये कि यहां पे रिजेक्शन ऑफ प्लेट कौन से कौन से ग्राउंड पे होती है एंड अनदर इज कि जो यहां पे रेजुडी काटा की रिगार्डिंग ये बोल रहे कि रेजुडी रिजेक्ट कर दो प्लेट को तो क्या रेजुडी काटा की रिगार्डिंग यहाँ पे रिजेक्ट प्लेट को किया जा सकता है नहीं किया जा सकता तो यहाँ पे रिजेक्शन ऑफ प्लेट होती कब है रिजेक्शन ऑफ प्लेट का एक सिंपल सा लॉ है सिंपल सा फॉर्मूला है क्या है डेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेन प्राइमा फे जब हम यहाँ पे को देखते हैं अगर प्लेट को देख के यहां पे पता लगता है कि कोई ना कोई यहां पे नहीं दिया गया या फिर यह सूट यहां पे है लिमिटेशन से. क्या अगर हम यहां पे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल, फाइल कर रहे हैं उसमें बोल रहे हैं कि प्लेट को रिजेक्ट कर दो इन द केस ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द प्लेट रिटर्न स्टेटमेंट इज नेवर कंसिडर्ड जज साहब सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या देखेंगे प्लेट को देखेंगे और प्लेन को देख के फील हुआ ये देखा कि ऑफ एक्शन नहीं है या फिर इन्होंने पे आ, पे कोर्ट फीस फाइल नहीं की हुई। या फिर पे soup, अगर ये सारे है, तब तो वहां पर रिजेक्ट कर सकते हैं और ये प्लेन क्या कर रहे हैं आर क्लेमिंग इट ऑन बेसिस ऑफ द रेसूडी काटा सी रेस जुडी काटा कब लगता है रेस जुडी काटा कब लगता है अगर मैं बात करूं कि रेस काटा के पॉइंट के ऊपर इसको रिजेक्ट कर दो रेस काटा तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना जब यहां पे प्लेट फाइल होगी उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होगी प्लेन फाइल हुई देन उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हुई एंड लेटर ऑन जब यहां पर आर्ग्यूमेंट होंगे एविडेंसेज आएंगे एट दैट स्टेज यहां पर रेस काटा प्रूफ करना पड़ेगा ना आपको कि पहले यहां पे एक केस फाइल हुआ था वो उसकी आप जजमेंट लेके आओगे जजमेंट लेके आओगे कोर्ट को देगे विच मीन आप क्या कर रहे हो तो यहाँ पे एविडेंसिस कर सकते हो इस केस में तो पे रिजेक्शन हो ही नहीं सकती इस केस में तो पे डिसमिस हो सकता है सूट क्या होता है पे पे जब भी पे प्रूफ हो जाए तो यहाँ पे सूट डिसमिस होता है कभी भी प्लेन रिजेक्ट नहीं होती है सो तो अपना इशू क्या बनेगा इसमें आपको मैं तीन तीन इशू समझाऊंगा बी सी मेन इशू जो आपका यहाँ पे बनेगा वेदर द फाइंडिंग रिकॉर्डेड बाय द रेंट कंट्रोलर

कि जो फर्स्ट टाइम सूट फाइल किया गया था वो कहां किया गया था रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास और सेकेंड टाइम कहां किया गया कोर्ट के पास फर्स्ट थिंग दूसरी बात ये बात कर रहे हैं कि रिजेक्शन कर दो यहां पे प्लेन की ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेसजुडी काटा जो यहां पे हो ही नहीं सकती क्योंकि रेसड्यूडी काटा में आपको यहां पे एविडेंसेस देने पड़ते हैं अगर हम ऑर्डर सीपीसी CP, में सेक्शन 11 को रीड करते हैं रेसडुडी काटा को तो रेसजुडी काटा स्टार्ट कैसे होता है रीड करो इसको नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट और इशू नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट और इशू क्या यहां पे जो अर्लियर यहां पे, पे पेटिशन फाइल की गई थी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास क्या वो एक सूट था वो एक सूट भी नहीं था यहां पे पॉइंट नंबर टू जिसके कारण यहां पे रेसड्यूडी काटा लग ही नहीं सकता रेसड्यूडी काटा कब लगता जब अर्लियर द केस वॉस बिफोर द सिविल कोर्ट एंड देन पे केस किसके पास है सिविल कोर्ट के पास ही है अगर वहां पे पहले रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास एक केस था देन आफ्टर यहां पे अगर सिविल कोर्ट के पास केस है तो रेसड्यूडी काटा नहीं लग सकता है पॉइंट नंबर टू नाउ द पॉइंट नंबर थ्री क्या है पॉइंट नंबर थ्री जो इस केस में हेल्ड किया गया उसके भी बात करेंगे सी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास क्या हुआ था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्लेंटिफ ने अपियर ही नहीं किया लैंडलॉर्ड ने वहां पे अपियर ही नहीं किया क्यों नहीं अपियर किया फॉर एनी रीजन उसने अपियर नहीं किया और यहां पे पिटिशन को क्लोज कर दिया गया क्या उस केस में यहां पे केस को सुना गया व्हेन वी टॉक अबाउट द रेजुडी काटा रेसूडी काटा में क्या बोलते हैं दैट रेसूडी काटा अप्लाई ओनली वेन द सूट हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड ड जब यहां पे फाइनली उसको हर्ड तो डिसाइड कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड हर्ड हर्ड का मतलब होता है यहां पे व्हेन द केस हैज बीन हर्ड ऑन 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 मेरिट्स 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 का मतलब क्या जब दोनों की दोनों पार्टीज ने यहां पे अपने अपने एविडेंसेस दिए कोर्ट ने उन एविडेंसेस को यहां पे अप्रिशिएट करके अपनी फाइनल जजमेंट दी क्या ये यहां पे रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास हुआ था नहीं हो पाया था क्योंकि उस केस में तो उन्होंने अपीरेंस ही नहीं दी कुछ भी नहीं हुआ कोई ग्राउंड के ऊपर सुनवाई नहीं हुई जस्ट बिकॉज द पार्टी डिड नॉट अपियर वो केस यहाँ पे वो फाइल यहाँ पे क्लोज कर दी गई सो दिस इज द थर्ड ग्राउंड बिकॉज यहाँ पे रेस नहीं लग सकता है राइट सो दिस इज अ फाइनल ऑब्जर्वेशन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द रेस अंडर सेक्शन इलेवन ऑफ द सी contains rules of the conclusiveness of the judgment, but for the res judicata to apply the matter directly and substantially in issue in the subsequent suit must be same, must be the same matter which was directly and substantially in issue in the former suit. Further, the suit should have been decided on the merits and the decision should be, have been attained finality. समझाइए आपको बात तीन तीन पॉइंट्स इस, इस केस में इतनी यहाँ पे बात नहीं की कि जितना मैंने आपको समझा दिया पहला पॉइंट आपने क्या समझा कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास केस है और सब सिक्वेंटलीटा तो कभी नहीं लगेगा क्योंकि कोर्ट में केस फाइल किया गया था सेकंड थिंग सेकेंड थिंग अगर हम रेसडुडी काटा की बात करें तो रेसडूडी काटा के ग्राउंड के ऊपर कभी भी प्लेट यहां पे ऑर्डर सेवन रूल इलेवन में रिजेक्ट नहीं हो सकती क्यों

और अलोंग विद डैट आपको मेजर लॉस और माइनर लॉस तो प्रोवाइड किए जाएंगे ही एंड आफ्टर दैट यहां पे आपको करेंट अफेयर जीके ऑल दीज थी आपको यहां पे मेन्स की आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज एवरी थिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू बट आपको करना क्या कि जब आप यहां पे स्टडी आई क्यू की वेबसाइट पे जाएंगे यू हैव टू अप्लाई दिस डिस्काउंट को डी ईवी दे ये कोड यूज करना आपको देव एंड यू कैन स्टार्ट यूर प्रमेशन फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स ऑल राइट देन थैंक यू सो मच आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू नामिका यस विशाल यू आर राइट हेयर इस केस में ऐसा ही होगा ऑल राइट देन थैंक यू सो मच आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो एंड ऑल्सो आई अ रिकमेंडेशन फ्रॉम यू गाइस मुझे एक चीज आपकी एडवाइस चाहिए कि यहां एक केस लॉ सीरीज शुरू करेंगे फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि अगर हम 25 से 30 केस करेंगे उसको आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताओगे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताओगे कि कौन से सब्जेक्ट की केस लॉ सीरीज आप यहां पे शुरू करना चाहते हो तो एक ही सब्जेक्ट की हम पे लगातार शुरू करेंगे और उसी में हम उसको साथ चलते रहेंगे राइट बीट आई पी सी क्योंकि एविडेंस की सीरीज हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं आप सीआरपीसी बोलो या सी पी सी बोलो वट एवर यू वॉन्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना आई विल सी दैट ओके एंड देन वी विल स्टार्ट विद दैट सीरीज एंड ऑल्सो जो यहाँ पे रेसडुडी काटा की यहाँ पे जो हमने बात की है रेजुडी काटा के लगाने के मेन फाइव प्रिंसिपल्स वो भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखोगे ऑल राइट देन थैंक यू सो मच आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास सर अगर स्मार्ट कोर्स देते हैं तो क्या हिंदी में नोट्स प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल बिल्कुल सर क्लासेस कितने आवर्स की रहेंगी इस कोर्स में क्लासेस आपको यहां पे रहेंगी ऑलमोस्ट वन एंड वन आवर एंड फोर्टी फाइव मिनट्स की आपको यहां पे क्लासेस रहेंगी ऑल राइट ओके बाय बाय टेक केयर